इस सेशन में हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्या है, एक टेबल गिवन है जिसमें दो एट्रीब्यूट हैं ए और बी। ए को कहा गया है प्राइमरी की और बी रेफर कर रहा है ए को, इसका मतलब बी है फॉरेन की। ओके, यहां बोला गया है कि विद ऑन डिलीट कास्केट, ऑन डिलीट मतलब आगे कुछ डिलीशन की बात होगी। ओके, डिलीशन पर क्वेश्चन होगा, तो ऑन डिलीट ये जो कास्केट लिखा हुआ है, आपको मैंने बताया था कि जगह चार चीजें हो सकती हैं, या तो कास्केट हो, या तो सेट नल हो, या तो नो एक्शन हो, ओके, और या तो डिफॉल्ट हो। ओके, चारों के रिस्पेक्टिव अलग तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यहां कास्केड है, इसका मीनिंग क्या है, पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं। द सेट ऑफ टपल दैट मस्ट बी एडिशनली डिलीटेड टू प्रिजर्व रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट व्हेन द टपल 3.1 इज डिलीटेड। तो 3.1 को जब डिलीट कर रहे हैं तो हमको पहले देखना पड़ेगा 3.1 कहां पर है। 3.1 ये है, ओके, इसको हमने डिलीट किया। तो कहता अगर इसको डिलीट करें तो एडिशनली, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या डिलीट होगा। ओके, चूंकि यहां कास्केड है तो कास्केड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 3.1 को आपने डिलीट किया है तो, और बी ए को रेफर कर रहा है, मतलब यहां पर प्राइमरी की का वैल्यू 3 डिलीट हो गया है, तो 3 को जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेफर कर रहा है वो सारी की सारी टपल्स डिलीट होगी। एंड देयरफॉर 3, अब मैं देखूंगा कि बी में 3 कहां लिखा हुआ है, बी में 3 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टपल भी डिलीट होगा, तो 5.3 डिलीट होगा, लेकिन उसकी वजह से 5 भी डिलीट हो गया, तो मैं अभी 5 को इधर लिख लेता हूं, पहले 3 और कहीं हो तो उनको डिलीट कर देता हूं। ओके, या आप बोल लो कि 3 की वजह से 5 डिलीट हो रहा, तो इनडायरेक्टली 5 जो रेफर कर रहा है वो भी डिलीट होगा, बाद में देखेंगे। यहां 3 है तो ये 7.3 ये भी डिलीट होगा। ओके, और यहां से प्राइमरी की का वैल्यू 7 ये भी डिलीट हो रहा, तो इसको भी मैं अलग से लिख लेता हूं, 3 और कहीं नहीं है। अब क्या करूंगा, ये 5 को जो रेफर कर रहा होगा वो भी डिलीट होगा। बिगनिंग से देखो बी साइड में 5 कहां है, ये 5 है तो ये डिलीट होगा, 6.5 डिलीट हुआ, और उसकी वजह से प्राइमरी की वैल्यू ये 6 को कोई रेफर कर रहा होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 को जो रेफर कर रहा है उसको भी डिलीट करना पड़ेगा इनडायरेक्टली। ओके, मतलब इसको इनडायरेक्ट रेफरिंग हो रही है, तो 5 और कहीं नहीं है तो इसका काम तो हो चुका। अब 7 को देख लेता हूं कि 7 को किसने रेफर किया है, 7 को किसी ने नहीं रेफर किया तो मुझे कुछ केयर करने की नीड है नहीं। ओके, 7 पे किसी ने कुछ रेफर नहीं किया है, कहता है कि अगर 7 को कोई नहीं रेफर कर रहा तो कहता देयर इज नो नीड टू परफॉर्म एनी एक्शन, या कह लो कोई उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अब 6 बचता है, 6 को किसी ने रेफर किया है क्या, यहां से देखते हैं 6 ये टपल है जिसको रेफर किया गया है, तो मैं ये इस टपल को भी डिलीट करूंगा। ओके, क्योंकि कास्केट की बात हो रही है, तो यहां से आ गया 8 इसकी प्राइमरी की को। अब 8 को किसी ने रेफर तो नहीं किया, प्राइमरी की में कहीं पर भी 8 नहीं लिखा है, अगर लिखा होता तो उस टपल को भी मैं डिलीट कर देता, अब चूंकि नहीं है तो इसको भी। तो इस तरह से एडिशनली 4 टपल्स डिलीटेड। ओके, अगर कोई पूछता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि कितने टपल डिलीट किए गए, तो 4 टपल, अगर ये वैल्यू टपल का एग्जैक्टली टपल पूछ रहा है क्या डिलीट हुआ तो वो भी बताया जा सकता है। ओके, अगर कोई पूछता है टोटल ओवरऑल कितना वो हुआ इंक्लूडिंग 3.1, तो फिर 4 में एक वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, 5, तो सवाल ध्यान से पढ़ें और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, एंड दैट्स